पिछले साल विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12वीं फेल आई थी। इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स ने दोनों को खूब प्यार मिला था। बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने परिंदा, खामोश, 1942 से लव स्टोरी जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। हाल ही में उन्होंने IFP फेस्टिवल के दौरान बताया कि जब उन्होंने पहली बार अपने पिता के सामने फिल्म बनाने की बात की थी तो उन्हें थप्पड़ पड़ गया था। विधु विनोद चोपड़ा कहते हैं कि जब मैंने अपने पिता को बताया कि पाजी मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि भूखा मर जाएगा, मुंबई में कैसे रहेगा। उनके पास मुझे स्कूल भेजने तक के पैसे नहीं थे। मैंने खूब मेहनत की। मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कश्मीर यूनिवर्सिटी से टॉप किया ताकि मुझे भारत सरकार की तरफ से नेशनल स्कॉलरशिप मिले। उन्होंने आगे बताया कि मुझे 250 रुपये की स्कॉलरशिप मिली थी जिससे मैं फिल्म स्कूल गया। एक फ़नी बात यह है कि जब मेरी पहली फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी मैंने अपने पिता को फ़ोन किया और बताया कि पाजी मेरी पहली फिल्म ऑस्कर जा रही है, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है लेकिन पैसे कितने मिल रहे हैं। बचपन से सिनेमा से प्यार करने वाले विधु विनोद चोपड़ा फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक के तौर पर कई बार खुद को साबित कर चुके हैं। हिंदी फिल्मों में अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें कई अवार्ड्स मिले हैं। उन्होंने बॉलीवुड को मुन्ना भाई, MBBS, शिकारा, मिशन कश्मीर और 3 इडियट्स जैसी फिल्में दी हैं।